कनाडा स्टडी वीजा 2024 सितंबर इंटेक कैसा रहने वाला है, कैसे वीजा चलेंगे, क्या सिस्टम रहेगा, इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। जो मई इंटेक्स के लिए फाइल्स लगी कुछ ये न्यू रेल्स के बाद और अभी भी जो आगे लग रही हैं, सबसे ब्यूटीफुल चीज एक देखने को मिल रही है, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ वीजा, क्योंकि एप्लीकेशंस उतनी ज्यादा नहीं लग पा रही हैं, कम लग रही हैं। न्यू रूल्स के हिसाब से जो फाइल्स लग रही हैं, पीएल के साथ जो फाइल्स लग रही हैं, वो फाइल्स तकरीबन 5 दिन में भी अपना वीजा हासिल कर रही हैं। दिस इज आवर एक्सपीरियंस, 5 दिन में पीपीआर रिसीव हुआ, 10 दिन 15 दिन एवरेज प्रोसेस टाइम चल रहा है न्यू एप्लीकेशंस के साथ। तो ये एक शानदार चीज हो चुकी है कनाडा के अंदर कि फाइल लगाओगे 10-15 दिन में वीजा डिसाइड होगा 2024 का। तो अपनी एप्लीकेशंस को तो डिले करो नहीं, जितनी जल्दी लगाओगे उतना ज्यादा सेफ भी रहोगे। अब नए रूल्स के अंदर आपको पीएल चाहिए, प्लस टू वाले हर एक स्टूडेंट को ये रिक्वायरमेंट है कि वो बिना पीएल के अप्लाई नहीं कर सकता और उन्हीं कॉलेजेस उन्हीं कोर्सेज में कर सकता है जिसमें पीएल मिल सके। लेकिन ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनके लिए ये बड़ा मौका है कि उन्हें पीएल की जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम ले सकते हैं, स्पाउस के साथ जा सकते हैं, एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं और उन्हें किसी तरह के पीएल लेटर का इंतजार नहीं करना है। अपनी एडमिशन लो, अपना एलओए मंगवाओ और अपनी फाइल्स को शुरू कर सकते हो। पैसे बचाना चाहते हो कनाडा के अंदर, खर्चा कम करना चाहते हो, तो उसका भी बेस्ट तरीका है इस बार कनाडा में, क्योंकि अब कनाडा में 2 तरह के जीआईसी हो चुके हैं। एक जीआईसी है $20,635 वाला जो कि पूरे कनाडा पे अप्लाई है, लेकिन एक दूसरा जीआईसी है $15,000 वाला जो आपके लिए क्यूबेक में अप्लाइड है। तो मतलब अगर आप क्यूबेक के अंदर स्टडी करने जा रहे हो, चाहे 10+2 वाले बच्चे जा रहे हैं और चाहे मास्टर्स वाले बच्चे जा रहे हैं, उनका जीआईसी कम जाएगा, उन्हें सिर्फ $15,000 है वही जीआईसी देना है। तो ये एक बड़ी राहत होगी फाइनेंशियली। अगर हम देखें तो तकरीबन 3 लाख का बजट आपका इस अमाउंट के अंदर अंदर एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि डॉलर्स का जो रेट है इस समय वो 60-65 चल रहा है। तो अगर इसको आप $5,000 के फर्क के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मोटा मोटा, तो तकरीबन 3 से 3.5 लाख का एक बेनिफिट आपके लिए निकल आता है अगर आप क्यूबेक में पढ़ने जा रहे हो। और वीजा सक्सेस रेट क्यूबेक नॉन क्यूबेक जबरदस्त है, कहीं पर भी अप्लाई करने चाहो किसी तरह की कोई अड़चन आपको वीजा प्रोसेस में इस बार नहीं आने वाली है, और उल्टा वीजा जिस तरह से दिख रहे हैं वो काफी शानदार स्पीड से आने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उनको मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि वो अपनी एप्लीकेशंस को बिल्कुल डिले ना करें, खासकर 10+2 वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी बोर्ड के रिजल्ट्स आए दोस्तों। क्योंकि अगर आप टाइम से अप्लाई करोगे, आप सबको पीएल लेटर चाहिए, बिना पीएल लेटर के आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकते हो। बिजनेस कोर्सेज के अंदर ओंटारियो के कॉलेजेस आपको ऑप्शन नहीं देंगे, तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं ओंटारियो में जाना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें से यॉर्कविले एल्गोमा काफ़ी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आपको ज़्यादा कॉस्ट इसमें नहीं पड़ती अगर आपको जाना है, नहीं तो अदरवाइज आप दूसरे प्रोविंसेस के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस बिजनेस कोर्सेज में ले सकते हो। सो दिस इज़ अ हाई टाइम एंड राइट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स कि आपको अपनी कैनेडा एप्लीकेशन शुरू कर देनी चाहिए, एंड ब्रॉडवे इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। तो आप हमारे साथ कहीं से भी अपनी एप्लीकेशन चला सकते हैं, ऑनलाइन भी चला सकते हैं, ऑफिसेज में मिलना चाहते हैं तो पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं आप, हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में ऑफिस है, गुजरात में ऑफिस है, तो इन सब जगह आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। निश्चिंत बेफिक्र होकर एप्लीकेशन आप कैनेडा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो यूके पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, बहुत सारे बच्चों को ये आशंका है कि क्या पोस्ट स्टडी वर्क वीजा यूके का बंद होने वाला है, क्या 15 जुलाई के बाद स्टूडेंट्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं ले पाएंगे, और जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने जा रहे हैं क्या उन्हें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चीजों को सही से आप समझें, सही से आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, तो आप बेहतर डिसीजंस बना सकते हैं। मैं पहले बता दूं आपको कि 14 या 15 मई को जो अपडेट आने वाला है वो अपडेट एक कमेटी का है जो पीएसडब्ल्यू पे डिसाइड करेगी, वो रूल नहीं बनाएगी, रूल गवर्नमेंट ने बनाना है। वो 14-15 मई को बताएगी कि पीएसडब्ल्यू हमें आगे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, तो वो इमिग्रेशन का एक अपना डिसीजन होगा, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का।
जिसके 99% चांसेस पॉजिटिव रहने के हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट था इमिग्रेशन को कम करने का, वो ऑलरेडी वर्क परमिट के ऊपर जो उन्होंने टफनेस की, खासकर केयर वर्क के ऊपर की, फिर स्पाउस वीज़ा पे की, तो उसके कारण ऑलरेडी काफ़ी नंबर्स उनके ड्रॉप हो चुके हैं जो मोस्टली उनका मसला हल करते हैं, और देर आर वेरी रेयर चांस कि वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को अफेक्ट करेंगे। अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो अगर होता भी है तो भी ये जनवरी 2025 से ये रूल अप्लाइड होगा, और जो बच्चे उस रूल के अंदर जाएंगे उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो मतलब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं, या जो बच्चे इस सितंबर इनटेक में चले जाएंगे, मई इनटेक में चले जाएंगे, जून इनटेक में जाएंगे, जुलाई इनटेक में जाएंगे, या अक्टूबर नवंबर इनटेक्स में भी जाएंगे, इन बच्चों के ऊपर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा किसी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। ये जब भी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे, 2 साल बाद 3 साल बाद जैसे भी इनका कोर्स का लेंथ है, तो इनको अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बाकायदा 2 साल का मिलेगा। जो भी रूल्स नए आते हैं वो हमेशा उन्हीं बच्चों पे अप्लाई होते हैं जो अब रूल्स अप्लाई होने के बाद यहाँ से जाते हैं, ना कि जो बच्चे ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं, और ना ही उन बच्चों पे अप्लाई होते हैं जिनके एप्लीकेशंस इन प्रोसेस होती हैं। ये सिर्फ यूके में नहीं, ये किसी भी कंट्री के जब रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आती हैं तो ये इसी तरह से आती हैं। उसकी एक डेट्स अनाउंस होती हैं जो हमेशा एडवांस डेट्स होती हैं, सो दैट जो इन प्रोसेस एप्लीकेशन से वो निकल सकें और उन वो अफेक्ट ना हो। जैसे कनाडा ने भी मार्च से शुरू किया था न्यू चेंजेस, आपने देखा होगा। इसी तरह हर कंट्री जब भी कोई चेंज लाती है वो 3-4 महीने आगे की डेट्स आती हैं। तो पहली बात तो ये है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद ही नहीं होने वाला, बट अगर आशंका भी है तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब ये बंद होगा तो ये नए बच्चों को अफेक्ट करेगा। अगर आप पहले चले जाएंगे तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई अफेक्ट नहीं आएगा, और बहुत सारी स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। नहीं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ब्रॉडवे आपको दे ही रही है कि आपको सारे ही पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। सो तुरंत ब्रॉडवे टीम को कॉल कर लें, नंबर हमारा स्क्रीन पे है। ऑफिसेज हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में है, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, गुजरात, और उसके अलावा अगर आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत होकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए, स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी जीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कॉन्टैक्ट कर लें, हमारा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिसेज हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं हैं, कस्टमर नहीं हैं, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।